हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में से एक दो प्रश्न ज़रूर आ सकता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य नमक। सामान्य नमक। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है किसके कारण? ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण। उपयुक्त सभी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है बेंटिन ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रास ने, हार्वे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण से, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है जास्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन है भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हासर गैस, मार्स गैस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हासर गैस। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबलीय क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में चलता है? ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोडियम। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, फेदक है। ऑप्शन है एक मछली होती है, एक पौधा का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक माप। फेदक एक माप है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता नापने में, वायु की गति नापने में, समुद्र की गहराई नापने में, शरीर का ताप नापने में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता नापने में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। राइट आंसर सी। दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिप्सम से। राइट आंसर बी, जिप्सम। अगला प्रश्न है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन है एक्स किरणें, लेसर किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेसर किरणें। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन है विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है, सूर्य की रोशनी नीली होती है इसलिए, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा और किरणों के परिक्रमण द्वारा, प्रकाश परावर्तन के द्वारा, प्रकाश अपवर्तन के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का परिक्रमण आकाश के नीले दिखाई का मुख्य कारण है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, ऑप्शन उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।